के इलेक्ट्रिक के लोग तुम्हारी गलियों में आते हैं और तुम्हारी गलियों में आके बदमाशी के साथ कनेक्शन काट के चले जाते हैं। आते हैं। मेरी कौम के लोग इस वक्त बहुत मुश्किल में, अगर बिजली का बिल दे दें तो बच्चों की पढ़ाई का बिल नहीं दे सकते, अगर खा ले तो पहना नहीं सकते। इन हालात के अंदर अगर कोई मजबूर है, अगर अल्लाह ने किसी को दिया है वो बिजली का बिल जमा करे, और अगर किसी के पास बच्चों को खिलाने के लिए नहीं है, तो मैंने आपसे कहा कि माँ अपनी औलाद की खातिर अगर जन्नत छोड़नी पड़े वो छोड़ दे, तो अपनी औलाद को पहले खाना खिलाएंगे या केवल इलेक्ट्रिक का बिल लेंगे? अगर किसी शख्स के पास घर में खाना खिलाने को बच्चे के नहीं है और अगर वो बिजली का बिल पे नहीं कर सका, कोई बिजली का कनेक्शन काटने आता है तो तुम्हारी क्या जिम्मेदारी बनती है? इस माजर कौम के जवानों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर नाता खान पे जाके कोई बिजली का कनेक्शन नहीं काट सकता, अगर पहाड़गंज पे जाके नहीं काट सकता, अगर बनारस पे जाके नहीं काट सकता, अगर गीदर कॉलोनी में जाके नहीं काट सकता, अगर शेरपाव में जाके काट नहीं सकता, बिलाल कॉलोनी में तुम जाके नहीं काट सकते, तो इस महाजर बस्ती में उस वक्त तक मत आना जब तक शेरपाव, जब तक आपका पहाड़गंज इन जगहों से सारे कुंडे खत्म ना कर लो। अगर इन इलाकों में कोई आता है तो उसे प्यार से समझाओ कि देखो लोगों के पास खाने को नहीं है, अगर तुम बिजली बिल अदा न करने की वजह से बिजली काटने आए हो तो प्लीज आप वापस चले जाओ, और अगर वो तुम्हारी प्लीज पर नहीं मानता, कोई और जबान जानता है तो फिर उसको उस जबान में, लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं कटना चाहिए।